तो आज का जो लेक्चर है वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे रिलेशनशिप के बारे में। और मैं आपको एक गारंटी दे देता हूँ कि अगर आप इस लेक्चर को स्टेप बाय स्टेप देखते हो तो आपको रिलेशनशिप में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि नोड जेएस और मोंगोडीबी में यूज करके हमें कैसे रिलेशनशिप यूज करनी होती है, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर हम रिलेशनशिप के साथ पॉपुलेट यूज करने वाले हैं, और पॉपुलेट को हमें क्यों यूज करना है, क्यों रिलेशनशिप में इसका यूज किया गया है, वो मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा। हमें एक छोटा सा प्रोजेक्ट सेटअप करने जा रहे हैं और उसको क्रिएट करेंगे, जिसमें क्या होगा, बेसिकली हम 3 APIs क्रिएट करेंगे जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि हमें रिलेशनशिप कैसे यूज करनी है, ठीक है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। जो सबसे पहले हमारा एग्जाम्पल रहेगा वो मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ कि यहाँ पर हम बात करेंगे। सबसे एक हमारा होगा स्टाफ, ठीक है, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक होगा हमारा राइट्स, ठीक है। अब स्टाफ के पास राइट्स हो सकते हैं, ठीक है। अब स्टाफ के अंदर क्या होगा, आईडी होगी, नेम होगा और ईमेल होगा, ठीक है। स्टाफ में जो बंदे होंगे उनके आईडी, नेम, ईमेल होंगे, ठीक है। अब राइट्स में क्या होगा, बेसिकली हर एक स्टाफ का अलग अलग राइट्स हो सकते हैं, ठीक है, कि इस स्टाफ का ये राइट्स है, इस स्टाफ का ये राइट्स है, ठीक है। स्टाफ में बेसिकली यूजर्स ही हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये जो स्टाफ आईडी है वो यहाँ पर हम सेव करा रहे हैं राइट्स के पास, कि इस स्टाफ के पास जो है ये राइट्स है आपका, ठीक है, अधिकार जिसे हम बोलते हैं कि इस स्टाफ के पास ये आपका राइट्स रहेगा। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करा रहे हैं, स्टाफ आईडी को जो है सेव करा रहे हैं, ठीक है। अब हम इस स्टाफ आईडी को हम इसलिए सेव करा रहे हैं जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर पाए कि किस स्टाफ के पास कौन सा राइट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल राइट्स हो सकते हैं। अब यहाँ पर जो रिलेशन बनने वाला है वो आपका बनने वाला है 1 to many का रिलेशन, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो रिलेशन बनने वाला है 1 to many का रिलेशन बनने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो है आईडी 1 है, ठीक है, पर यहाँ पर जो है राइट्स में क्या होने वाली है, मैनी टाइम रिपीट होने वाली है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर बोल रहे हैं 1 to many का रिलेशन बनने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस एग्जाम्पल को देखते हुए हम यहाँ पर 3 APIs क्रिएट करने जा रहे हैं, जो कि APIs हैं आपकी। सबसे पहले जो API होगी वो क्रिएट स्टाफ API, फिर आपकी होगी क्रिएट राइट्स API, ठीक है। अब यहाँ पर तीसरी जो API है वो क्या है, गेट राइट्स विद स्टाफ डिटेल वाई रिलेशनशिप API, ठीक है। अब जैसा कि यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जब हम राइट्स लेंगे, जब हम किसी यूजर के सॉरी जब हम राइट्स को गेट करेंगे तो हम क्या करेंगे, उस स्टाफ आईडी के बेस पर उस स्टाफ की डिटेल्स भी निकालेंगे कि उस स्टाफ का नेम क्या था, ईमेल क्या था। बेसिकली ये काम होने वाला है पॉपुलेट का यूज करके। और देखिए मैं आपको एक पहले ही बता देता हूँ कि अगर आपने एक भी स्टेप मिस किया तो आपको छोटी सी गलती भारी पड़ सकती है, क्योंकि हम यहाँ पर रिलेशनशिप को कैसे यूज करना होता है वो स्टार्टिंग से बताने वाला हूँ। ये मेरा प्रोजेक्ट सेटअप है यहाँ पर, जैसा कि आप देख पा रहे हो, और जो रिलेशनशिप आपकी स्टार्ट होती है बेसिकली वो आपके मॉडल स्ट्रक्चर से स्टार्ट होती है, ना कि आप कहीं से भी उठा करके कर दो, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक छोटा सा प्रोजेक्ट सेटअप करके रखा है, जिसमें मैंने ऑलरेडी यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको कि मैंने क्या क्या इंस्टॉल करके रखा है, बॉडी पार्सर, एक्सप्रेस एंड मोंगूज, ठीक है, नॉट MongoDB, ठीक है। हम मोंगूज का यहाँ पर यूज करेंगे। index.js मैंने फाइल बना रखी है जो कि अभी एम्प्टी, हम अभी सारा कोड करने वाले हैं। बाकी मैंने MVC पैटर्न को फॉलो कर रहा हूँ, राउट्स का मैंने फोल्डर बनाया हुआ है, मॉडल्स का बनाया हुआ है, कंट्रोलर्स का बनाया हुआ है, ठीक है। तो चलिए हमारी 3 APIs है हमें क्रिएट करनी है। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसको नोड मोन को स्टार्ट करके यहाँ पर छोड़ देते हैं, हालांकि अभी सिंपल एम्प्टी को ही ये रन करेगा, चलो कोई नहीं। सबसे पहले हमें यहाँ पर अपना कोड करना है इंडेक्स में, जो हमारा होता ही है, बेसिकली मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ इसलिए बिगनर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक्सप्रेस को यूज कर लेते हैं। यहाँ पर जैसा कि आप लोग जानते होंगे मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ओनली मैं यहाँ पर थोड़ा फोकस करूंगा अपनी स्पीड पर, जैसे कि आपको ये चीजें तो आपको आती होंगी इसलिए आप इन पर फोकस भले ही ना दें तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है। अभी यहाँ पर हम मोंगूज का यूज करेंगे, ठीक है, मोंगूज, एंड देन यहाँ पर हम मोंगूज नाम का एक वेरिएबल भी बना लेते हैं, ठीक है। आई थिंक मोंगूज मेरा इंस्टॉल तो है ही है, ठीक है। तो यहाँ पर मोंगूज हमने यूज कर लिया, सेम एज इट इज मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ अपना बॉडी पार्सर, ठीक है। तो बॉडी पार्सर, ठीक है, तो ये मेरा बॉडी पार्सर होने वाला है। यहाँ पर मैं बॉडी पार्सर करके एक वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है। ये बेसिकली मेरे को API से डेटा गेट करने में काफी हेल्प करेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कुछ मिडल बेयर्स हैं जो कि मैं अपने यूज करने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो मैं एक ऐप वेरिएबल बना लेता हूँ, कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, ऐप डॉट यूज, एंड देन यहाँ पर हमें बॉडी पार्सर को यूज करना है। सबसे पहले तो बॉडी पार्सर डॉट URL encode, ठीक है, URL encode, और यहाँ पर हम पास कर देते हैं एक्सटेंडेड कॉलन ट्रू, ठीक है। ये तो आपको बेसिकली चीजें पता ही होंगी, ठीक है। और मैं यहाँ पर अगेन यूज करूंगा ऐप डॉट यूज
और यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, बॉडी पार्सर डॉट जेसन, ठीक है, जेसन फॉर्मेट में यहाँ पर होगा डेटा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर मोंगूज का यूज करके मैं कनेक्ट कर लेता हूँ अपने डेटाबेस को। अभी मैंने कोई डेटाबेस क्रिएट नहीं किया, ये मेरा यहाँ पर डेटाबेसेस हैं, ठीक है। पर यहाँ पर हम एक न्यू डेटाबेस क्रिएट करेंगे, तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ मोंगो डीबी कॉलन स्लैश स्लैश, और यहाँ पर आप लिख लो भले चाहे लोकल होस्ट, ये जो है यहाँ से मैं इसको उठा लेता हूँ, यहीं से मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है। मोंगो डीबी कॉलन स्लैश स्लैश जो आपका लोकल होस्ट का है वो, ठीक है। और मैं यहाँ पर लाइक रिलेशनशिप नाम का एक डेटाबेस क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। रिलेशनशिप चाहे आप कुछ भी कर लो, ठीक है। ये तो मैंने डेटाबेस यहाँ पर क्रिएट कर लिया। अब मैं इस पोर्ट को लिसन करवा देता हूँ, एप डॉट लिसन, ठीक है, ऑन 3000 पोर्ट नंबर, ठीक है, 3000 पोर्ट। और यहाँ पर हम एक फंक्शन पास कर देते हैं जिससे कि हमें पता चल जाए कि हमारा पोर्ट रनिंग में है, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर हम बोल देते हैं सर्वर ऑन, सर्वर ऑन, ठीक है। मैं आपको पहले बता देता हूँ, इतना इजी आइडिया कोई नहीं बताएगा आपको रिलेशनशिप में, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पर एक एक स्टेप बारीकी से बताने वाला हूँ, ठीक है। हालांकि होता है पॉपुलेट का यूज करके, पर वहां पर वो लोग बड़ा मेथड बताते हैं, ठीक है, पर यहाँ पर मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर राउट्स के अंदर एक राउट फाइल बना लेता हूँ, राउट डॉट जे एस करके, ठीक है। मैं ज्यादा फोकस नहीं करूंगा कि मैं नेमिंग क्या रख रहा हूँ, बेसिकली जो मेरा पर्पस है वो है रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसको इसमें रिक्वायर कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को आगे चल करके तो यूज करनी होगी, जिससे कि मैं बाद में भूल ना जाऊं, इसलिए मैं अभी से यहाँ पर जो है रिक्वायर कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने डायरेक्ट रिक्वायर कर रहा हूँ, यहाँ पर डॉट करके बाहर गया, अपने राउट्स फोल्डर के अंदर गया, एंड देन मैंने राउट नाम की फाइल आ चुकी है यहाँ पर, ठीक है। तो इंडेक्स डॉट जी एस का फाइल का काम खत्म हो चुका है, मैं इसको कर देता हूँ अब क्लोज, ठीक है। अब हमारी इसके अंदर बारी आ जाएगी, पर इसके अंदर बारी आने से पहले देखिए, मैंने आपको बताया हमारे पास हैं दो चीजें, स्टाफ एंड राइट्स, ठीक है। तो अब हमें करना क्या, बेसिकली ये जो आपका स्टाफ है, पहले हमें इसका मॉडल क्रिएट करना है, फिर हमें इसका मॉडल क्रिएट करना है, और इन दोनों के बीच में ही जब मॉडल क्रिएट होता है उसी के बेस पर ही हमें यहाँ पर अपना रिलेशनशिप डिफाइन करने का मौका मिलता है, ठीक है। फर्स्ट यहीं से मौका मिलता है हमें। तो चलिए मैं सबसे पहले एक मॉडल क्रिएट कर लेता हूँ, एंड देन मॉडल नेम इज स्टाफ मॉडल करके, ठीक है, स्टाफ मॉडल डॉट जे एस, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पर सबसे जो पहले काम करूंगा अपना मोंगूज को जो है रिक्वायर करूंगा, यहाँ पर मोंगूज, एंड देन इज इक्वल टू रिक्वायर, रिक्वायर हम करेंगे अपने मोंगूज को, तो मोंगूज, ठीक है। यहाँ पर अपना मोंगूज जो है रिक्वायर कर लिया हमने। अभी यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं लाइक स्टाफ स्कैमा करके, ठीक है, स्टाफ स्कैमा, जो कि बेसिकली अभी मैं स्कैमा ही क्रिएट करने जा रहा हूँ, इक्वल टू न्यू मोंगूज डॉट स्कैमा, ठीक है। और यहाँ पर हम अपना स्कैमा डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब आपको पता है कि मेरे स्टाफ में जो है आईडी है, आईडी ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगी, मेरे को चाहिए नेम, तो नेम कॉलन यहाँ पर मैं रख लूंगा इसका टाइप स्ट्रिंग, टाइप कॉलन स्ट्रिंग, ठीक है। एंड देन इसको आप रिक्वायर्ड वगैरह रख सकते हो, मैं अभी बेसिकली इतना फोकस नहीं कर रहा हूँ, रिक्वायर्ड मैं फिलहाल मैं ट्रू पास कर देता हूँ, या आप जो भी लगे आपको वो पास कर दीजिएगा, ठीक है। और मैं नेम रख रहा हूँ, ईमेल रख रहा हूँ, ठीक है। बेसिकली मेरा जो फोकस है बेसिकली उस पर है कि मैं आपको रिलेशनशिप बता पाऊँ, ठीक है। तो ये इतना काम तो इसमें करना ही था, ठीक है। तो नेम यहाँ पर मैंने टाइप बता दिया अपना, और ये ईमेल का हो गया, ठीक है, तो ईमेल का हो गया हमारा। एंड देन यहाँ पर आप चाहो तो टाइम स्टैम्प वगैरह भी प्रोवाइड कर सकते हो, लाइक मैं यहाँ पर टाइम स्टैम्प देना चाहूँ तो किस इस तरीके से दे सकता हूँ, यहाँ पर मैं क्या करूँगा कॉमा दूंगा, एंड देन यहाँ पर मैं अपना लिख दूंगा, यहाँ पर इसको मैं थोड़ा इस तरीके से कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं पास कर दूंगा टाइम स्टैम्प्स ट्रू, ठीक है। यहाँ पर दो चीजें होती हैं, आप ट्रू या फॉल्स कर सकते हो, जिससे कि आपका टाइम स्टैम्प भी सेव हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपका स्कैमा बन चुका है ओनली स्टाफ का, स्टाफ साइड का, क्योंकि स्टाफ में इतना झंझट नहीं है, राइट्स वाले में झंझट आएगा, ठीक है। इस मॉडल में झंझट आने वाला है, क्योंकि इसी के अंदर हम रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे, ठीक है। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू, यहाँ से हम कर देंगे मोंगूज डॉट मॉडल, mongoose डॉट मॉडल, एंड देन यहाँ पर हम इसका नेम दे देते हैं लाइक स्टाफ, ठीक है। ये नेम ध्यान रखिएगा, ये जो नेम आप दे रहे हो इसी का हम आगे चल करके यूज करने वाले हैं, ठीक है, ध्यान से दीजिएगा जो भी नेम आप दे रहे हो, फिर हम यहाँ पर पास कर देंगे अपना स्टाफ स्कैमा, ठीक है। तो ये आपका जो है फर्स्ट जो है मॉडल्स, आपका मॉडल जो है आपका क्रिएट हो चुका है, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि अब मेरे को नीड पड़ने वाली है एक और मॉडल क्रिएट करने की, जो कि बेसिकली मेरा होगा राइट मॉडल, ठीक है। मैं राइट्स रख सकता हूँ, चाहे आप कुछ भी रख लो, मैं राइट मॉडल रख लेता हूँ डॉट जेएस, ठीक है। ये वो वाला राइट नहीं है जो आप सोच रहे हो, सही वाला, बेसिकली ये अधिकार वाले में बोल रहा हूँ राइट्स, ठीक है।
तो यहाँ पर हमने सेम एज को हमें रिक्वायर करना ही होगा, और यहाँ पर हम रख लेते हैं इसका क्या नेम रख लेते हैं, राइट स्कैमा, ठीक है, राइट स्कैमा करके रख लेते हैं, ठीक है इसका नेम, और यहाँ पर मैं राइट स्कैमा ही पास कर देता हूँ, और जो मेरे इस मॉडल का नेम रहेगा वो रहेगा राइट, ठीक है। तो इतना काम मैंने करा है, अभी यहाँ पर बात आ जाती है कि इसके अंदर हमें करना है क्या बेसिकली, ठीक है। तो यहां से हम इसको हटा देते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें है एक आपकी स्टाफ आईडी और एक है आपका राइट्स। राइट्स मतलब हमें स्ट्रिंग ले लेंगे जिसमें आपका कुछ स्ट्रिंग में राइट होगा, ठीक है। तो हमें जो बेसिकली इम्पोर्टेंट का जो हमारा है बेसिकली काम जो है स्टाफ आईडी का है, ठीक है। तो लाइक मान के चलिए यहाँ पर स्टाफ आईडी हम नाम का एक कुछ इस तरीके से की बना रहे हैं, जो कि बेसिकली एक ऑब्जेक्ट आईडी के रूप में जो है आपके डेटाबेस में सेव होगी। तो ऑब्जेक्ट आईडी के रूप में आपको इसको सेव कराना है, तो आपको इसका टाइप जो है ऑब्जेक्ट आईडी प्रोवाइड करना होगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पर मोंगूज का यूज करना होगा, मोंगूज डॉट, यहाँ पर हम स्कैमा का यूज करेंगे, स्कैमा डॉट, ठीक है। यहाँ पर इसका टाइप्स आ जाता है, टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी, ठीक है। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट आईडी, आपको पता है ऑब्जेक्ट आईडी क्या होती है, बेसिकली जो आपने देखा होगा आईडी में ऑब्जेक्ट आईडी लगा होता है वही होता है, ठीक है। एंड देन यहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, जैसा कि मैंने आपको बताया यहीं पर रिलेशनशिप आपकी स्टार्ट करनी है, कि ये स्टाफ आईडी जो है आपके इस स्टाफ से कनेक्टेड है, इस स्टाफ की आईडी से, ठीक है। तो हमें यहाँ पर इसको रेफरेंस में बताना होगा, हम यहाँ पर रेफरेंस इसका दे देते हैं जो हमारा स्टाफ है। अब देखिए ये जो मैंने नेम रखा है ना, बहुत से लोग क्या करते हैं इस नेम को थोड़ा गलत तरीके से लिख देते हैं। यहाँ पर क्या करें, रेफरेंस में स्टाफ आप पास करें एंड देन फिर यहाँ पर आ जाएं। यहाँ पर जो है ये जो नेम है आपके जो स्टाफ मॉडल में से जो नेम आपका है वही सेम नेम आप यहाँ पर दें, लाइक इसको आप कॉपी कर लें, ठीक है। और सेम नेम आपको जो है यहाँ पर प्रोवाइड करना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले बता देता हूँ, वरना आपका नल वगैरह आ सकता है, ठीक है, जो भी आपका स्टाफ डिटेल्स होंगे, ठीक है। अब बात आ जाती है हमारा राइट में। राइट में लाइक मान के चलिए मेरा कुछ टाइप में स्ट्रिंग रख लेते हैं हम, ठीक है। तो हमारा काम तो है बेसिकली रिलेशनशिप के ऊपर, ठीक है, ना कि हमें किसी और पर हमें ज्यादा वर्क करना है, ठीक है। तो ये आपका जो है दूसरा मॉडल भी क्रिएट हो चुका है, तो ध्यान रखिए जो भी रिलेशनशिप आप क्रिएट कर रहे हो तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि आप ये दोनों चीजें जरूर कर रहे हो, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे, सिंपल स्ट्रिंग में आप अपनी आईडी को सेव कराओगे, यूजर आईडी को या स्टाफ आईडी, मान के चलिए मैं अगर इसको स्ट्रिंग में सेव कराता तो यहाँ पर मेरा काम नहीं बन पाता, ठीक है। इसलिए ऑब्जेक्ट आईडी यहाँ पर नीम है इसकी, तो इसको बना करके चलिएगा, ठीक है, जब भी आपको रिलेशनशिप क्रिएट करनी है, ठीक है, जिसके अंदर से भी क्रिएट करनी है, ठीक है। तो ये दो चीजें आपको करनी होंगी, ठीक है। तो ये मैं इन दोनों मॉडल्स को जो है आप क्लोज कर देता हूँ। अब हम यहाँ पर कुछ एपीआई बनाने जा रहे हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं स्टाफ कंट्रोलर के बारे में बात करूंगा, तो यहाँ पर एक मैं क्रिएट कर लेता हूँ स्टाफ कंट्रोलर, ठीक है। सबसे पहले तो मेरे को स्टाफ ही क्रिएट करना होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले स्टाफ क्रिएट होगा, बाद में राइट्स क्रिएट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो अपना मॉडल जो है यहाँ पर ले आते हैं, लाइक स्टाफ इज इक्वल टू रिक्वायर, और रिक्वायर हम कर लेते हैं अपना, सबसे पहले यहाँ से जाएंगे बाहर, डॉट डॉट स्लैश मॉडल्स के अंदर आ जाएंगे, हमारा आता है स्टाफ मॉडल, ठीक है। तो स्टाफ मॉडल आ चुका है एंड देन यहाँ पर हम क्या करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में मैं काम करूंगा, यहाँ पर मॉड्यूल डॉट सॉरी मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू, यहाँ पर हम एज एन ऑब्जेक्ट में मैं क्या करूंगा, यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ क्रिएट, ठीक है, क्रिएट एंड देन यहाँ पर मैं डायरेक्ट अपना फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी आप बोल रहे होंगे ये किस तरीके से आप क्रिएट कर रहे हो, ये आपको आई थिंक आपको पता हो या ना हो, ये मैं शॉर्ट फॉर्म में कर रहा हूँ, ठीक है काम, हालांकि मैं वैसे तो नहीं इस तरीके से करता हूँ, फिलहाल में मैं जल्दीबाजी में आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, जल्दीबाजी में ही क्यों, इसके लिए ये भी एक तरीका होता है, जब ऑफिशियली आप काम करोगे तो ऐसे ही आपको मिलते हैं, वहां पर आप इस तरीके से क्रिएट करते हो, ठीक है, पर ये एक शॉर्ट फॉर्म में तरीका होता है, आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अब मेरे पास क्या होगा, नेम एंड ईमेल आ रहा होगा, लाइक मैं क्या करूंगा, कॉन्स्ट यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, नेम कॉमा ईमेल, ठीक है। अब मैं वहां से जो रिक्वेस्ट में डेटा आएगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी जो भी डेटा आएगा वो मैं यहाँ पर डलवा लूंगा, ठीक है, जो भी नेम और ईमेल का होगा, ठीक है। और फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक स्टाफ नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ, अवेट का यूज करूंगा, ठीक है, अवेट एंड देन आपका स्टाफ मॉडल डॉट क्रिएट हम यूज करेंगे, ठीक है, डॉट क्रिएट, क्योंकि हमें यहाँ पर अपना क्रिएट करना है स्टाफ, ठीक है। नेम आ गया आपका, ईमेल आ गया, ठीक है, ये आई थिंक आपने पहली बार देखा होगा मैं जो कर रहा हूँ, बहुत से लोगों ने देखा भी होगा, नहीं भी देखा होगा तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ से मैं रिटर्न कर दूंगा अपना रेस्पॉन्स डॉट सेंड, और फिर हम यहाँ से कर देंगे अपने स्टाफ को
एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये मैं बेसिकली अभी कंट्रोलर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। ये मैंने सबसे पहले क्या किया है, अपना एक क्रिएट मेथड कॉल किया है, मतलब जो कि कॉल नहीं किया बेसिकली बनाया है, जो कि यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर दिया डायरेक्ट की डायरेक्ट, ठीक है। अभी राउटिंग में हम इसको कॉल करेंगे मेथड को, और फिर ये जब मेथड कॉल होगा तो वो क्या कर रहा होगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से नेम और ईमेल लेगा और वो इसमें डलवा देगा, फिर हम नेम और ईमेल को यहाँ पर डलवा करके सेव करा देंगे, ठीक है। तो इस स्टाफ कंट्रोलर का जो है बेसिकली इतना ही काम था, ठीक है। तो ये हमने क्लोज कर देते हैं और अब हम बात करते हैं अपना स्टाफ के बाद आता है आपका राइट कंट्रोलर, ठीक है। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं राइट कंट्रोलर डॉट जेएस, ठीक है। अब इस राइट कंट्रोलर के पास क्या करना है, बेसिकली हमें जो राइट कंट्रोलर का जो काम होगा, बेसिकली राइट्स क्रिएट करने का काम होगा और रिलेशनशिप के साथ डेटा गेट करने का काम होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपना राइट मॉडल ले लेता हूँ यहाँ पर, तो जो कि बेसिकली रखा हुआ है रिक्वायर करना है बेसिकली मेरे को, सबसे पहले डॉट डॉट स्लैश एंड देन मॉडल्स एंड देन आपका राइट मॉडल, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसके साथ वर्किंग करने वाले हैं, इसके हम भी यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म तरीके से यूज कर लेते हैं, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू एंड एज एन ऑब्जेक्ट सबसे पहले मैं रखूंगा क्रिएट, ठीक है, जो कि क्रिएट करने के लिए होगा असिंक, एंड देन यहाँ पर आपका रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स फेटर मेथड, ठीक है। तो ये अपना किया हमने राइट क्रिएट करने का काम, ठीक है। तो ये अभी राइट क्रिएट नहीं हुआ है, अभी बेसिकली क्या हो रहा होगा, जब भी राइट क्रिएट होगा तो उसके पास से स्टाफ आईडी आ रही होगी, जो भी राइट्स क्रिएट करेगा कि आप स्टाफ आईडी भेजो और अपना राइट में कुछ टेक्स्ट वगैरह वो आप भेजो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर राइट्स को क्रिएट कर लेते हैं, लाइक राइट डॉट क्रिएट, ठीक है। और यहाँ पर हम एज एन ऑब्जेक्ट, आपको पता है मेरे मॉडल में जो है स्टाफ आईडी है, सबसे पहले स्टाफ आईडी कॉलन रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट स्टाफ आईडी, ठीक है। स्टाफ आईडी करके मेरे पास स्टाफ आईडी आ जाएगी, सेम थिंग मेरे पास राइट आएगा तो राइट, ठीक है। और मैं राइट ही रख लेता हूँ, ये वो वाला राइट समझ लो, भले ही चाहे आप कुछ भी समझ लो, पर मैं यहाँ पर अधिकार के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि हर एक स्टाफ के पास अपना अधिकार होगा, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पर अवेट का यूज करूंगा, अवेट ये अब क्या करेगा, स्टाफ आईडी और राइट क्रिएट करके आपके एक वेरिएबल में डेटा दे देगा, लाइक मैंने राइट नाम का ही वेरिएबल बना लिया है। और अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से सेंड कर दूंगा, सॉरी सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पर सेव भी कराना होगा, ठीक है। तो आई थिंक हमें यहाँ पर क्या करना है, हाँ सॉरी हाँ सेव कराना होगा, बेसिकली हम सेव करा लेते हैं यहाँ पर, क्या करेंगे बेसिकली अबे सॉरी राइट डॉट सेव, ठीक है। और यहाँ पर हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, लाइक राइट डेटा इक्वल टू, ठीक है। तो ये मैंने इस तरीके से कर लिया, अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, जो भी मेरा डेटा आया होगा तो उसको हम यहाँ से गेट कर लेते हैं, अवेट का यूज करके, बेसिकली नहीं क्रिएट करता तो यहाँ पर प्रॉमिस रिटर्न करता रहता, ठीक है। एंड देन यहाँ से हम रिटर्न करा देंगे रिटर्न रेस्पॉन्स डॉट सेंड, ठीक है। मैं यहाँ पर एकदम प्रॉपर वे में काम नहीं कर रहा हूँ फिलहाल में, मेरा काम जो था बेसिकली आपको अंडरस्टैंडिंग कराना रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है। हालांकि हम स्टेटस वगैरह देते प्रोवाइड, मतलब स्टेटस वगैरह दे करके हम काम करते, पर मैंने इतना नहीं कुछ किया, ठीक है। तो ये मैंने जो है एक मेथड बनाया है आपका क्रिएट स्टाफ और क्रिएट राइट राइट्स का, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, इन्हीं को हम थोड़ा सेव करके रन करा के देखते हैं, क्योंकि हम आगे अभी देखेंगे जो कि अभी हमें उसमें पॉपुलेट का यूज करना होगा। तो हम आते हैं राउट्स के अंदर, ठीक है। यहाँ पर इसके अंदर हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपना एक्सप्रेस यूज कर लेते हैं, कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल टू, चिंता मत करिए अभी मैं बताऊंगा, सबसे पहले मैं क्रिएट तो कर लूंगा अपने स्टाफ एंड राइट्स, ठीक है। तो एक्सप्रेस का मैं यूज करूंगा, फिर मेरे पास राउटर आ जाता है, कॉन्स्ट राउटर नाम का एक मैं वेरिएबल बना लेता हूँ एक्सप्रेस, ठीक है, न्यू एक्सप्रेस डॉट राउटर डॉट राउटर, ठीक है। तो ये मेरे पास राउटर आ चुका है, तो मैं यहाँ से कॉन्स्ट करना था, कॉन्स्ट कर दिया, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट मनीज आप यहाँ पर अपने कंट्रोलर्स निकाल लीजिए, लाइक पहले आपका आएगा स्टाफ कंट्रोलर, ठीक है। तो यहाँ पर हम इक्वल टू कर लेते हैं रिक्वायर, ठीक है, रिक्वायर। तो यहाँ से हम क्या करते हैं डॉट डॉट स्लैश एंड देन अपने कंट्रोलर्स के अंदर आए, हम स्टाफ कंट्रोलर के पास आते हैं, सॉरी स्टाफ कंट्रोलर है बेसिकली, ठीक है। ये सेम थिंग मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, अब मैं आऊंगा राइट कंट्रोलर के पास, तो राइट कंट्रोलर एंड देन में ये मेरा राइट, ठीक है। तो ये मेरा दोनों कंट्रोलर्स यहाँ पर आ चुके हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं अपने राउटर को यूज करते हैं, राउटर डॉट पोस्ट का हम यूज करते हैं, ठीक है, पोस्ट का ही हम सभी जगह यूज करेंगे, ठीक है। राउटर डॉट पोस्ट, राउटर डॉट पोस्ट, ठीक है, आना तो चाहिए,
पर नहीं आया, क्यों नहीं आया? चलो कोई बात नहीं, अभी हम ट्राई कर लेते हैं कि क्या होता है। नहीं आएगा तो कोई टेंशन नहीं है, सजेशन नहीं आ रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें एक स्टाफ क्रिएट करने की एपीआई क्रिएट करने वाले हैं, तो स्टाफ क्रिएट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, हम क्या करेंगे, स्टाफ डॉट क्रिएट, ठीक है, ये आ चुका है, ये क्या आ रहा है बड़ा वाला, ठीक है, स्टाफ डॉट क्रिएट, ये मैंने यहाँ पर जो है इतना काम कर लिया है, ठीक है। अब इतना करने के बाद ये तो आपका स्टाफ के लिए हो गया। अब यहाँ पर मैं सेम थिंग कॉपी करूंगा और मैं अब स्टाफ क्रिएट कर लिया, अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, बेसिकली राइट क्रिएट करने वाला हूँ, ठीक है, राइट क्रिएट, और ये बेसिकली राइट क्रिएट करने का काम करेगा, राइट क्रिएट, ठीक है। तो राइट डॉट क्रिएट, ठीक है, पता चल गया ना आपको, ये चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स कर देते हैं, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू आपका राउटर, ठीक है, राउटर हमने यहाँ से जो एक्सपोर्ट कर दिया है। अब हमारी थोड़ी टेस्टिंग की बारी है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये मेरा चल ही रहा है ऑलरेडी यहाँ पर, तो इसको मैं यहाँ पर सबसे पहले मैं टेस्टिंग करने वाला हूँ स्टाफ क्रिएट के बारे में कि क्या हमारी ये पेज चलेगी या नहीं। तो इसमें हमारा जो डेटा जाएगा जेसन फॉर्मेट में, हम यहाँ पर कर लेते हैं, पोस्ट में जाएगा, सबसे पहले इसका होगा नेम, नेम लाइक मैंने यहाँ पर दे दिया संदीप, एंड देन यहाँ पर ईमेल होगी, ईमेल लाइक मैंने दे दी sandeep@gmail.com, ठीक है। आई थिंक मेरा सर्वर स्टार्ट हो चुका होगा, हाँ देख सकते हो गाइज, यहाँ पर जो है मेरा स्टाफ क्रिएट हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हो, ठीक है। अब मैं थोड़ा डेटाबेस में भी चला जाता हूँ कि क्या मेरा स्टाफ क्रिएट हुआ या नहीं, यहाँ पर डेटाबेस आ जाना चाहिए, हाँ आ चुका है, स्टाफ एंड देन राइट्स, ठीक है, स्टाफ स्टाफ अभी क्रिएट किया है, नॉट राइट्स, ठीक है, तो स्टाफ में आ चुका है। अब क्या करने वाले हैं, हम इस स्टाफ की आईडी का यूज करते हैं और एक हम राइट क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो मैं एक यहाँ पर राइट राइट क्रिएट एपीआई, ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, बेसिकली स्टाफ आईडी हमें सेंड करनी है, जैसा कि आपको पता है स्टाफ आईडी मैंने जो अभी करंट यूजर बनाया स्टाफ, वो मैंने यहाँ पर पास किया, और यहाँ पर मेरा कुछ राइट्स होगा, लाइक मैंने यहाँ पर लिखा राइट, और यहाँ पर हम लिख देते हैं संदीप स्टाफ फर्स्ट राइट्स, ठीक है, या जो भी आपको लगता है वो आप रख सकते हो। मैं यहाँ पर जो है स्टाफ क्रिएट नहीं, बेसिकली यहाँ पर आएगी आपकी राइट क्रिएट, ठीक है, राइट क्रिएट, ठीक है। यहाँ से मैं इसको सेंड करता हूँ, अब ये जो है राइट्स भी क्रिएट हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पर डेटाबेस में आता हूँ और यहाँ पर देख चेक करता हूँ कि राइट्स क्या क्रिएट हुए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो, ये जो आपकी ये इंपॉर्टेंट होती है, ये रिलेशनशिप आप जब भी कभी भी ऐड करने चाहो, चाहे वन टू मैनी करो, चाहे मैनी टू वन करो, चाहे आप कुछ भी करो, पर ये आपकी काफी इंपॉर्टेंट होती है कि आपकी ऑब्जेक्ट आईडी होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए मैंने आपको ऑब्जेक्ट आईडी बनवाया था, जो कि आई थिंक आपको याद हो कि मैं यहाँ पर जाता हूँ थोड़ा मॉडल्स के अंदर, राइट मॉडल, ठीक है, ये जो था ये इसी का काम कर रहा है, इसलिए आपकी ऑब्जेक्ट आईडी जनरेट कर रहा है स्टाफ के लिए, ठीक है। तो इतना काम आपको करना ही होगा जब भी आप करोगे, ठीक है। अब बात आ जाती है कि मैं यहाँ पर एक राइट गेट करने की एपीआई क्रिएट करूं और जो कि बेसिकली स्टाफ आईडी ना दे मेरे को, बेसिकली स्टाफ की डिटेल दे कि किस स्टाफ का डिटेल के साथ ये राइट रजिस्टर्ड हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक और एपीआई क्रिएट कर लेते हैं राइट, बेसिकली सबसे पहले तो मैं मेथड बनाऊंगा, ठीक है, मेथड बनाने के बाद ही मैं यहाँ पर वर्किंग करूंगा, ठीक है। तो लाइक मैंने बना लिया स्टाफ बाय राइट करके, ठीक है, राइट करके ये मैं मेथड बना रहा हूँ। आप कहीं सोचो कि मैं कुछ वेरिएबल बना रहा हूँ, ठीक है, असिंक अवेट का हम यूज करेंगे, एंड देन यहाँ पर फेटर मेथड्स, तो रिक्वेस्ट एंड देन आपका रेस्पॉन्स, ठीक है। अभी यहाँ पर हमें करना क्या है, ये देखिए ध्यान से समझिएगा, मैं यहाँ पर जो करने जा रहा हूँ, तो राइट डॉट फाइंड, ठीक है, सबसे पहले तो मैं फाइंड करूंगा, मैं चाहूंगा कि मैं एक आईडी पास करवाऊं जो कि मेरी राइट आईडी होगी, मैन राइट आईडी, ठीक है, मतलब जो उसकी राइट्स की आईडी, ये वाली आईडी, ठीक है। जो भी कोई इसे पास करेगा उससे रिलेटेड उसका डिटेल आ जाएगी और स्टाफ की डिटेल आएगी, ठीक है। तो लाइक कुछ इस तरीके की होगी एपीआई, मैं बता देता हूँ, गेट राइट एपीआई, ठीक है। अभी यहाँ पर मान के चलो आपने कुछ नेम रखा हुआ है, जो भी आप रखना चाहते हो, लाइक समथिंग राइट पॉपुलेट करके, ठीक है, राइट पॉपुलेट कर लेता हूँ, ठीक है, मैं जिससे कि आपको अंडरस्टैंड हो जाए। यहाँ पर क्या होगा, आप बेसिकली एक आईडी दे रहे होंगे जो कि बेसिकली आपकी होगी राइट आईडी, ठीक है, जो कि होगी आपकी राइट आईडी, मतलब आपके राइट्स की आईडी, ठीक है। अभी यहाँ पर आपने लाइक राइट्स आईडी आपने पास करी ये वाली, ठीक है,
तो ये वाली आपने पास करी, तो यहाँ पर आपको पता है कि क्या क्या डिटेल्स आने वाली है। आईडी, स्टाफ आईडी, राइट, क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट, ठीक है। तो अभी हम चेक कर लेते हैं इसको कैसे करना है इसके बारे में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारी आईडी जो है उसके ऊपर हम चेक लगाएंगे, ठीक है, अंडरस्कोर आईडी कॉलन रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट, एंड देन जो आपने यहाँ से राइट आईडी भेजी है इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ पर पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डेटा मिल जाएगा। अभी देखिए मैं यहाँ पर रिलेशनशिप नहीं ऐड कर रहा हूँ, अभी बेसिकली मैं आपको सिंपल दिखा रहा हूँ, ठीक है। कॉन्स्ट और दे यहाँ से मैं भेज देता हूँ राइट डेटा करके, ठीक है। और यहाँ से हम क्या करते हैं बेसिकली अब इसको रेस्पॉन्स में सेंड कर देते हैं, लाइक मैंने लिखा रेस्पॉन्स डॉट सेंड राइट डेटा, ठीक है। अभी यहाँ पर हम सेंड करते हैं इसको, तो अभी हमें पूरा डेटा मिलना चाहिए। तो अभी बेसिकली सर्वर कनेक्टेड नहीं हुआ है, हाँ यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आई है, कैन नॉट पोस्ट, अच्छा बेसिकली अभी हमने एपीआई तो सॉरी हमने यहाँ पर वो तो क्रिएट ही नहीं किया है राउट, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या क्रिएट करने वाले थे, राइट पॉपुलेट, ठीक है। तो पॉपुलेट और इसका जो कौन सा मेथड कॉल होगा डॉट यहाँ पर स्टाफ बाय राइट, ठीक है। तो अभी हम चेक करते हैं, अब तो चलना चाहिए परफेक्ट, ठीक है। तो एक मिनट, थोड़ा ये हैंग सा हो गया है मेरा इंसोमिनिया, हाँ ये बेसिकली एरर पर हो जाता है। हाँ अभी यहाँ पर मैं हिट करता हूँ, तो यहाँ पर देखोगे कि आपके पास डेटा आने वाला है, देख सकते हो गाइस यहाँ पर आपको प्रॉपर डेटा आने वाला है जो कि आप देख पा रहे हो, ठीक है। अब आपके मल्टीपल्स आपके राइट्स होंगे जो कि आपको मिल रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं जैसा कि बात कर रहा था, जो हमारा लेक्चर बना हुआ है वो बेसिकली रिलेशनशिप के ऊपर लगा हुआ है, तो यहाँ पर देख पा रहे हो स्टाफ आईडी आ रही है। मैं चाहता हूँ स्टाफ की सारी डिटेल आए, जो भी इस स्टाफ की आईडी के बेस पर रजिस्टर्ड है आपके डेटाबेस में, ठीक है। तो उसके लिए आपको करना है क्या, यहाँ पर पॉपुलेट का आपको यूज करना होगा। जब भी आप रिलेशनशिप यूज करोगे तो आपको हमेशा देखने को मिलेगा पॉपुलेट यूज करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम नो एसक्यूएल यूज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम कोई MySQL वगैरह यूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम नो एसक्यूएल यूज कर रहे हैं डेटाबेस, ठीक है। तो यहाँ पर हम पॉपुलेट का यूज करेंगे, पॉपुलेट, ठीक है। अब इस पॉपुलेट का काम क्या है बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। हम सबसे पहले चलते हैं अपने मॉडल के अंदर, मॉडल बेसिकली हमारा है राइट मॉडल, क्योंकि इसी के अंदर हमने अपनी स्टाफ आईडी रजिस्टर्ड की हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये जो आपका नेम है, ये ध्यान से समझिए, ये जो है जिसमें आपकी ऑब्जेक्ट आईडी पास है और जिसको आपने रेफरेंस दिया हुआ है आपके किसी मॉडल से, मतलब किसी अनदर मॉडल से है, ये तो बेसिकली आपका राइट मॉडल है, और ये आपका है स्टाफ मॉडल, ठीक है। मतलब स्टाफ आईडी आपकी कनेक्टेड है स्टाफ मॉडल से, तो उसके लिए आपने रेफरेंस यहाँ पर पास किया हुआ है और उसकी आईडी पास की हुई है, ठीक है। तो ये जो है आपके लिए पॉपुलेट में यूज करने का काम करेगा। तो यहाँ पर आएंगे हम, तो आप यहाँ पर पास कर दो स्ट्रिंग में स्टाफ आईडी, ठीक है। मतलब क्या है, यहाँ पर देख पा रहे हो ये स्टाफ आईडी जो है मेरी स्टाफ से रजिस्टर्ड है, और यहाँ पर इसको उस स्टाफ की आईडी भी यहाँ पर मेरे पास है एज अ ऑब्जेक्ट आईडी, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर पॉपुलेट में वो स्टाफ आईडी पास कर दूंगा, और ये ध्यान रखिएगा कि आपने यहाँ पर इस तरीके से जरूर यहाँ पर अचीव किया हो अपना मॉडल, ठीक है, वरना ऐसा नहीं किया होगा अपना आपका पॉपुलेट नहीं चलेगा, आपकी रिलेशनशिप वर्क नहीं करेगी, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर स्टाफ आईडी पास किया, और ये स्टाफ आईडी नाम का जो यहाँ पर मैंने पास किया हुआ है वो बेसिकली ये वाली की है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि आपको ये की पास करनी है जिसके अंदर आपका टाइप ये चल रहा है ऑब्जेक्ट आईडी, और आपका रेफरेंस चल रहा है आपके किसी अनदर मॉडल के साथ, ठीक है। तो उसकी की का नेम आप यहाँ पर जो है डायरेक्ट पास कर दो, ठीक है। अब आपको पता है इस स्टाफ आईडी के बेस पर अभी एक न्यू स्टाफ रजिस्टर था जिसका नेम था संदीप, ठीक है। मैं यहाँ पर हिट करता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हो गाइस स्टाफ आईडी के डिटेल्स आ चुकी है कि उसका नेम था संदीप, उसकी आईडी ये थी, उसका ईमेल ये था, उसका क्रिएटेड एट ये था, इसका अपडेटेड एट ये था, ठीक है। तो ऐसे ही आप वर्किंग करा सकते हो, मल्टीपल आप क्रिएट करो, बेसिकली मैंने आपको तीन एपीआई बताई है, आप ऐसे ही प्रैक्टिस करो इन रिलेशनशिप की। आई होप आप अंडरस्टैंड हो पाएंगे, एक एक स्टेप मैंने बारीकी से समझाया है, और एक मैंने न्यू प्रोजेक्ट भी इसलिए बनाया था कि जहां से आपको दिक्कत कुछ भी ना हो, कि मॉडल्स आप कैसे क्रिएट करते हो रिलेशनशिप के बीच में, और कैसे आप रिलेशनशिप को अचीव कर पाओगे पॉपुलेट का यूज करके, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया हो, थैंक यू गाइस।